टूटेगा तो ना, ना 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 कुछ नहीं टूटेगा। उड़ 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 यार गिर गया तू पैर। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी गाइस मैं हूँ दिल्ली में एक फार्म हाउस में। मैं आया था ना कल शादी के लिए, अपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा शादी कंप्लीट हो चुकी है, तो रात को मैं यहीं पर रुका था। तो आज के इस व्लॉग में आपको कंप्लीट फार्म हाउस का टूर दूंगा। तो अभी फिलहाल मैं हूँ छत पे, तो छत से व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। और इसके अंदर हम रुके हुए थे, नीचे रूम्स हैं और यहाँ पे हमारी थार खड़ी है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ सामने का एरिया। सामने का एरिया कुछ इस तरह का है, बॉय भैया बैठे हैं नीचे। आओ चाय पी लो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे है बॉय भैया के फ्रेंड सोनी भैया, इन्हीं का फार्म हाउस है ये। तो ऊपर से कुछ ऐसा लग रहा है, देखो यहाँ पे पेड़ ही पेड़ है और यहाँ पे खेती भी हो रखी है। देखो सब कुछ बो रखा है यहाँ पे, सब कुछ पूरी बाउंड्री बनी हुई है वहाँ से यहाँ तक। फिलहाल चाय वगैरह पीते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर दिखाऊंगा आपको। चलो। और मुर्गियाँ भी हैं, मुर्गियों की आवाज़ आ रही है आपको। तो रात को हम रुके थे यहाँ पे इस वाले रूम में, बॉय भैया तो आते रहते हैं यहाँ पे। मैं यही फार्म हाउस में ही रुकता हूँ क्योंकि मेरे को ना हर चीज़ यहाँ ऑर्गेनिक है। इवन जो भी फूड आप यहाँ खाओगे सारा ऑर्गेनिक है, सारा सब अभी दिखाते हैं। वहाँ जाते हैं ना हल्द्वानी, बॉय भैया के फार्म पे। किसी भी आप फाइव स्टार होटल में रूम खुलवा लो, अपन कहीं नहीं रुकेंगे, वहीं रुकेंगे। अच्छा आप बॉय भैया के फार्म हाउस पे रुकते हो? वहीं रुकते हैं हमेशा से। अच्छा ये मेरे लिए गया था। हाँ, हम जहाँ जाते हैं फार्म हाउस में ही रुकते हैं, मतलब मजा ही वो देसी स्टाइल में आता है ना। जब सोनी भाई हल्द्वानी आते हैं तो बॉय भैया के फार्म हाउस पे रुकते हैं, और जब बॉय भैया आते हैं तो यहाँ पे रुकते हैं। ये सही है। तो गाइस ब्रेकफास्ट हो चुका है, चलो अब आपको पूरा टूर देते हैं। तो इधर तो बैडमिंटन कोर्ट बना रखा है पूरा, बैम्बू का झूला बना हुआ है यहाँ पे देखो। इधर भी आंवला, उधर भी आंवला, इधर भी आंवला। लहसुन है, प्याज है, मूली है, चकुंदर है। चकुंदर का पेड़ कौन सा था? मैं चकुंदर का पेड़ नहीं देखा यार। ये चकुंदर होती है। अच्छा ये है चकुंदर, ये मूली की तरह होता है। देखो गाइस बिल्कुल फ्रेश तोड़ी है अभी हमने। मेथी, धनिया, उधर टमाटर लग रहा है, टमाटर सब है भाई। बेथुआ यहीं से तोड़ के मस्त पराठे बना लो। ओ भाई ये क्या है? ओ भाई इतना तो बड़ा। क्या बोला आपने इसका नाम? चकोतरा। चकोतरा, चकोतरा। ये कैसा संतरा की तरह? संतरे जो है इतना बड़ा संतरा गाइस, देखो ये देखो मेरे फेस के बराबर इतना बड़ा संतरा। फिश भी है भाई, फिश भी पाल रखी है गाइस। इस फार्म हाउस में सब कुछ है लिटरली। सुबह से ये मुर्गियां इतनी आवाज ही कर रही है ना। इसमें यहाँ गाय रहती है ना? अच्छा यहाँ पे गाय रहती है। इनके लिए ना स्पेशल मैट आती है, इस मैट पे इनको नीचे ना फर्श ना चुभे तो ये मैट लगाई जाती है। अच्छा गाय के लिए मैट भी है। अभी क्या था ना मॉर्निंग में इसको पहले वॉश किया था पूरा, अभी सब सफाई हो गई ना। ये देसी गाय है अपनी, आ गया देसी गाय। ये कितना क्यूट है देखना, ये डर रहा है, डर रहा है। और ये देखो गाइस ये गोसे, हरियाणा में इसको गोसे बोलते हैं, उपले भी बोलते हैं। इसमें मछलियां हैं? हां मछलियां। कितनी गाय आपके पास? गाय है अपने 7-8 मेरे पास। 7-8 गाय। चलो मछलियां देखते हैं भाई। ओ भाई ये देखो गाइस कितनी बड़ी मछली है। ये सारा गाय का चारा है? ये गाय का चारा सारा। देखो गाइस यहाँ पे सारा गाय का चारा ही बो रखा है, ये पूरा गाय का चारा है। देखो 14 बच्चे दे चुकी है, इसी की बेटी है जिसने भी वो बच्चा दिया है वहाँ पे। अच्छा अच्छा इसकी बेटी ने भी बच्चा दे दिया। हाँ। यहाँ तो बुल भी है भाई, बहुत खतरनाक है देखना। मैं तो बाउंड्री से भी दूर हूँ भाई। ओहो ये देखो ये है पपीता, पपीते छुपा रखे हैं ताकि कोई बर्ड वगैरह न ले जाए। और ये है चीकू, संतरा भी है देखो छोटा वाला, किन्नू। मतलब बिल्कुल परफेक्ट फार्म हाउस है यहाँ पे। यहाँ पे गाय है, गाय का दूध है, फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, वो सब कुछ ऑर्गेनिक एकदम। कितने सारे नींबू लगे हैं देखो। और ये है गोभी। ये सब देख के तो भाई मेरे मन कर रहा है मैं बनाऊंगा फ्यूचर में ऐसा ही मस्त फार्म हाउस। अगर आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहोगे तो हल्द्वानी बनाएंगे मस्त ऐसा ही, जहाँ पे मस्त सब्जियां, फ्रूट, सब कुछ, गाय वाय सब रख लेंगे। ये सोनी भैया की फॉर्च्यूनर। और पार्किंग देखो कितनी बड़ी है, कितनी सारी गाड़ी आ जाएंगी भाई यहाँ पे। हमारी थार तो वहाँ खड़ी है देखो। तो गाइस ये देखो यहाँ पे छोटा सा कटहल लगा हुआ है, अभी ये बहुत बड़ा हो जाएगा इतना बड़ा। तो इसकी पूरी प्रोसेस दिखाते हैं आपको। पहले ऐसा निकलेगा, पहले ऐसा होगा, फिर इतना बड़ा होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, फ्लावर से, फिर फ्लावर से कटहल बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। फ्लावर से निकलेगा कटहल ना ऐसे? अच्छा अच्छा फ्लावर से निकलेगा, फ्लावर है, फ्लावर के अंदर से कटहल निकलेगा, फिर ऐसा हो जाएगा। गिरूंगा तो नहीं? लेट जाना, कुछ ना गिरेगा यार, भगवान बचा लेना। टूटेगा तो? ना 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 कुछ नहीं टूटेगा। कौन है वीडियो? उड़ 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 यार गिर गया तू, पहले वो हो गया ना यार। ऐसे बैठ ना पहले। हाँ ऐसे बैठ, पूरा डाल और इसे खोलो ना एक हाथ से। हाँ ऐसे, अब बीच में जा, सेंटर में जा। ये गिरना ही चाहिए, एक बार तो गिर गया मैं। कैसा फील कर रहे हो? मजा आ रहा भाई है, पहली बार इस तरह के झूले में आया हूँ मैं गाइस। अब इसको देख के तो मेरा मन करेगा कि मैं भी अपना फार्म हाउस बना लूँ ऐसी। तभी तो यहाँ के लोग फुल हेल्दी रहते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक खाते हैं, ऑर्गेनिक दूध, ऑर्गेनिक सब्जियाँ, ऑर्गेनिक सब कुछ, शांति में अपना मस्त।
चलिए आज इसका ऑपरेशन करते हैं। चकोतरा काट रहे हैं अभी, देखते हैं चकोतरा कैसा होता है। और भी काफी कुछ तोड़ के लाए हैं, देखो गाजर भी तोड़ के लाए हैं, मूली भी। ओ गाइस ये देखो दिल निकला इसके अंदर से, मौसमी की तरह एकदम, मौसमी की तरह। तो अब हम जा रहे हैं दूसरे फार्म पे, भैया का एक और फार्म है तो वो भी देख के आते हैं। चलो भैया की फॉर्चुनर में जाएंगे। तो दूसरे फार्म पे पहुंच गए। इस वाले फार्म में ना पेड़ ज्यादा हैं, ये जितने पेड़ दिख रहे हैं ना ये सारे फ्रूट्स के पेड़ हैं। इसको बोलते हैं कंटेनर हाउस, कंटेनर पे घर बना रखे इसके अंदर पूरा। इस घर की खासियत क्या होती है? रेडीमेड है, अपने कहीं भी उठाओ और शिफ्ट कर दो। अच्छा रेडीमेड घर, मतलब इस घर को उठाए कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ट्रक के ऊपर रखा रहता है ये बड़ा सा, हाँ वो चीज है। अच्छा ये ट्रक के ऊपर आ जाएगा पूरा? हाँ पूरे जो ट्रेलर्स रहते हैं ना, बड़े बड़े ट्रेलर। ये जो पीछे पहाड़ दिख रहा है ना, ये पीछे पहाड़ भी निकाले, ये जो पीछे पहाड़ वाला एरिया है। तो यहाँ से तोड़ते हैं, घर पे लेके जाएंगे इनको, घर जाके फैमिली को खिलाएंगे। पांच लेके जा रहे हैं, चलो अब चलते हैं यहाँ से। पांच पांच रख ली बोई बहने। तो अभी गाइस हम आ गए तीसरे फार्म में, यहाँ पे डॉग्स हैं बहुत सारे। ये देखो टायर से बना रखा है, और ये सब कुछ खुद के लिए है, कोई बिजनेस वगैरह नहीं है इस चीज का, ये सिर्फ खुद के लिए। और गाइस देखो यहाँ पॉली हाउस भी है, इसके अंदर सब्जियां लगती हैं। गाइस ये वाली गाय देखो, ये है गिर गुजरात वाली, और इनके लिए देखो यहाँ मशीन वशीने भी रखी है। गाइस ये बहुत रेयर होते हैं, इनकी पहचान की कानों से। तिब्बतन मस्टिफ। और यहाँ बन रहा है स्विमिंग पूल। इनके पास कोई चला गया ना, बस। इतने खतरनाक कुत्ते मैंने पहली बार देखे भाई। और देखो यहाँ पे ऑर्गेनिक खाद बना रखी है गोबर से, चिड़िया के घोंसले भी है देखो यहाँ पे। अब चलते हैं मेन फार्म पे। तो गाइस पीते हैं प्योर गाय के दूध की छाछ, और ये मेरी फेवरेट है छाछ का। चेयर्स, जो हालत चेयर्स बहुत बेस्ट है गाइस। ये तो मैं तो और पीऊंगा भाई, रोज रोज नसीब नहीं होता ये। तो गाइस फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। इस व्लॉग में आपको दिखाया कि बड़े बड़े लोगों के फार्म हाउस कैसे होते हैं हरियाणा में, जिसमें मतलब सब कुछ होता है उनको, मतलब कहीं सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं है उनको, कहीं से दूध की जरूरत नहीं है, कहीं से फ्रूट्स खरीदने की जरूरत नहीं है, कहीं से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ उनके फार्म हाउस में ही होता है। तो हाँ मेरा भी प्लान है फ्यूचर में, अगर आप सपोर्ट करो तो डेफिनेटली हम भी बनाएंगे और आप लोगों को इन्वाइट करेंगे साथ में। फिलहाल इसको एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा। अब देखना नेक्स्ट व्लॉग में और क्या क्या करेंगे यहाँ पे, और क्या चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, आप नई नई चीज़ आपको दिखाऊंगा। मैं खुद नई नई चीज़ें पहली बार, मैं इस तरह के फार्म हाउस में खुद पहली बार आया हूँ भाई, जहाँ में लिटरली सब कुछ है भाई, सब कुछ। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अरे यार चुप हो जाओ, बोलने दो भाई, मैं जैसे ही बोल रहा हूँ ये कुकड़ू कर रहे हैं। तो हाँ मतलब